हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की और एक लोहार की। यानी आज के युग में इंसान चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन यदि कलयुग में आए सुपर हीरो यानी विष्णु भगवान के अवतार कल्कि अवतार ने अगर अपनी एक चाल चल दी तो मनुष्य की बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। कहां से कैसे उनका डिवाइन गेम किसको चारों खाने चित्त कर देगा, ये सामने वाला इंसान भी नहीं समझ पाता और वो सोच में पड़ जाता है, आखिर ये बात हुई तो कैसे हुई, ये घटना घटी तो कैसे घटी। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मेरे वीडियो का थंबनेल शायद आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। मैंने क्यों लिया कल्कि अवतार वन शॉट एंड द गेम विल बी ओवर। कलयुग में बहुत सारे लोग अपने पैसों के बलबूते पर अपनी मौज मस्ती करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। एक तरफ गरीब वर्ग दो वक्त की खाने की रोटी भी जुटा नहीं पाता, दूसरी तरफ अमीर वर्ग अरबपति खरबपति ऐसे होते हैं जो अपने पैसों के बलबूते पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। 1912 में टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था। बहुत बड़ा हादसा, बहुत लोगों की जान चली गई थी, लेकिन आज लोग शौकिया तौर पर उस मलबे को, टाइटैनिक जहाज के मलबे को जो आज भी समुद्र में एक ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ से वो हिलता नहीं, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो भी काफ़ी भारी भरकम है, टाइटैनिक जहाज भी बहुत बड़ा था, तो लोगों को यकीन था कि समुद्र में वो जगह नहीं जो टाइटैनिक जहाज को डुबा सके। लेकिन कुदरत का करिश्मा और कुदरत का खेल, उसके आगे इंसान को घुटने टेकने पड़ते हैं। टाइटैनिक जहाज का एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट जो आज भी लोग याद करते हैं, उस पर मूवी बन चुकी, लोगों ने देख लिया और लोग सिहर गए कि किस प्रकार भयानक हादसा हुआ। तो जब कुदरत का प्रकोप होता है, कहां से किस प्रकार से कौन सी आपदा आ जाए, इंसान जब तक सोचे समझे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तब तक वो आपदा घटित भी हो जाती है और अपना खेल भी दिखला देती है। आज टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए ओशन गेट एक ऐसी कंपनी जो अपनी पनडुब्बी पर सवार करके लोगों को समुद्र के अंदर उस जगह ले जाती है जहां पर कि टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। कॉमन इंसान एफोर्ड नहीं कर सकता इस जर्नी को, कारण इस जर्नी के लिए, इस मिशन पर जाने के लिए एक इंसान को 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उस पनडुब्बी पर सवार होकर जब ओशन गेट के लोग, वहां के कर्मचारी 5 लोगों को ले चले 18 जून 2023 को, तब उन्होंने 2 करोड़ रुपए चुकाए, हर एक ने 5 अरबपति उस पनडुब्बी पर सवार हो गए, ओशन गेट की पनडुब्बी पर अंदर भी चले गए। लेकिन अंदर जाने के बाद समुद्र ने किस तरह से उन्हें गायब किया, रिसर्च टीम अमेरिका की, कनाडा की, ब्रिटेन की और भी कई देशों की लगी हुई है ढूंढने के लिए, लेकिन ना तो उस ओशन गेट की पनडुब्बी पर जिसपे 5 लोग सवार थे, ना ही उसका मलबा मिला आज तक, ना ही वो 5 लोग जो उस पर सवार थे उनकी डेड बॉडी भी कहाँ गायब हो गई, कहाँ चले गए वो 5 लोग। क्या जर्नी पर जाने से पहले उन्हें पता था? अगर पता होता तो शायद वो नहीं जाते। लेकिन ऊपर वाले का टाइम देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कब किस तरह से किस सोल को यहाँ से जाना है और कितने टाइम तक यहाँ पर रहना है, जाना सभी को है, बट टाइम कौन कितना लेकर आया है, पैसे भी खर्च किए मौज मस्ती के लिए, लेकिन कितनी मौज मस्ती की, क्या जाकर उन्होंने देखा, और देख लिया तो आखिर वो कहाँ गायब हो गए, समुद्र ने उन्हें कहाँ गायब कर दिया,
किसने उन्हें गायब किया, आज तक ये रहस्य पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कल्कि अवतार के सीक्रेट्स को जान पाना आज के इंसान के वश की बात नहीं। प्लस दुनिया चाहे अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे जहाँ तक जाना चाहे वो पहुँच जाए, वो मार्स पे भी पहुँच गया, मून पर भी पहुँच गया, स्पेस में भी हो आया, लेकिन फिर भी ईश्वर के रहस्यों को समझ पाना, उन्हें डीकोड करना इंसान के वश के परे है, नहीं कर सकता वो। जिस प्रकार की आज एक घटना ने लोगों को बहुत ही आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि ओशन गेट की कंपनी का ये पहला मिशन नहीं था, वो पहले मिशन पर नहीं गई थी 5 लोगों को लेकर कि चलिए आप लोगों को जाकर मैं टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाकर वापस लाऊं। इसके पहले भी वो गई है और इसलिए इस बार भी उसने पैसे लिए, लेकिन एक इंसान इतना लकी था कि उसने पैसे भी भरे। लेकिन जब वो गया था देखने के लिए तो वहाँ कुछ उसे संदेह हुआ कि गलत पार्ट का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर वहाँ पर देख रेख नहीं की गई उस पनडुब्बी की, वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है, लोग कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम दिनों का था, लेकिन आज जब इतने दिन बीत गए हैं तो लोगों को शक है कि ना सिर्फ वो तो इंसान जो थे वो मर गए होंगे, लेकिन उनकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, वो भी कहीं नहीं मिल रही है। यानी रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, पनडुब्बी का मलबा भी नहीं मिल रहा है। हालांकि एक रिसर्च टीम ने रिसेंटली ये दावा किया है कि उस पनडुब्बी का कुछ मलबा मिला है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कह दिया है कि मैं डाउटफुल हूँ कि ये जो मलबा है उसी पनडुब्बी का है या नहीं है, कन्फर्म वो नहीं है। ये तो रही एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। दूसरा एग्जाम्पल, आज के युग में टेक्नोलॉजी का एक और कमाल, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के ज़रिए इंसान फिजिकल लेबर को अपना बचाना चाहता है और आर्टिफिशियल रोबोट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोट को अपने फिजिकल लेबर को बचाते हुए, यानी इंसान काम नहीं करेगा उसके द्वारा वो काम करवा रहे हैं। जैसे कि आज तक पर आप देखिए, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो कि न्यूज़ रीड करती है हर दिन आकर, तो उतना टाइम आज तक की टीम का बच गया। अब रिसेंटली इसी टेक्नोलॉजी ने, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो कितनी खतरनाक है इंसानों के लिए, जो मैं आपको बतलाती हूँ, क्योंकि सतयुग में टेक्नोलॉजी रहेगी नहीं, जो कलयुग की है, तो उनको डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन उसके पहले कल्कि अवतार बतलाएंगे कि आज की टेक्नोलॉजी जिस पर कि इंसान इतना इतरा रहा है वो उनके लिए कितनी खतरनाक है। कानपुर में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसे करप्शन का, घोटाले का खुलासा किया है जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और वो 1-2 करोड़ नहीं है बल्कि उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। ग्रैंड लेवल पर उन्होंने किया है, लार्ज स्केल पर वो करप्शन किया गया है। उस घोटाले का जब खुलासा हुआ लोग भी अचंभित हो गए, जहाँ पर पुलिस जाकर नहीं पकड़ पा रही है, CBI नहीं पकड़ पा रही है, वहाँ पर आज के मनुष्यों द्वारा तैयार की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने वो काम कर दिखाया। और अब जिन इंसानों ने घोटाले किए, करप्शन किया और अब तक छुपे हुए थे, आज उनका घोटाला गवर्नमेंट के सामने आ गया। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और आगे की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पर एक घोटाला किया है। तो कल्कि अवतार का एक शॉट, इसलिए मैंने कहा कि वो एक चाल चलेंगे, सिर्फ एक, और सामने वाला पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि रहिए सावधान, कीजिए अच्छे कार्य, आपके कार्यों को बहुत लोग गलत ठहराएंगे, लेकिन यदि आप नेक उद्देश्य से राइट एम लेकर अपने कार्य को कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह किए बिना, आपका उद्देश्य डिवाइन नोबल कॉज के लिए होना चाहिए, ईश्वर का साथ भी आपको मिलेगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो लाख दुनिया अपनी चाल चल ले, लेकिन जब कल्कि अवतार अपनी चाल चलते हैं
उसके आगे सबकी बुद्धि हो जाती है फेल, क्योंकि अल्टीमेटली अनकंडीशनल विक्ट्री के लिए ही वो धरती पर आए हैं, और बिना विक्ट्री लिए सतयुग का आगमन धरती पर हो नहीं सकता। लोगों की आंखें खुलनी ज़रूरी हैं कि आज जो वो कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में कुछ और बातें, कुछ और रियलिटी इसी दुनिया की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।